हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, आज से 9 दिन पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, स्टॉक मार्केट स्कैम पार्ट 1। वहां पर हमने कहा था जिस जिस तरह के स्टॉक मार्केट में स्कैम हो रहे हैं और जो ऑफिशियली सच हैं और आप लोगों के साथ दिन प्रतिदिन हो रहे हैं, उसको हफ्ते में 7-8 दिन में हर एक स्कैम को लाऊंगा, जिससे कि अवेयरनेस बढ़े और आप भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें, क्योंकि हम सब एक परिवार हैं, किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। और आप लोगों ने भी कमेंट में कहा था कि सर इस सीरीज़ को ज़रूर कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि हम लोगों के पास भी फर्जीवाड़ा होता है। और लकली आज ऐसा ही एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ हुई जिसको मैं लास्ट में बताऊंगा। तो कहानी शुरू करते हैं स्टॉक मार्केट से। स्टॉक मार्केट देखिए ऑलरेडी ही रिस्क की है, पल में इन्वेस्टर कमाते हैं, दूसरे पल में ही नुकसान करते हैं, फिर भी लोगों का क्रेज़ दीवानापन आप सबसे कहीं छुपा नहीं है। और इसका फ़ायदा उठा रहे हैं साइबर क्रिमिनल। पहले शेयर ट्रेडिंग करने वालों को टारगेट नहीं करते थे, बट अब उनको टारगेट कर रहे हैं। तो किसी से 64 लाख, तो किसी से 24 लाख, तो किसी को करोड़ों का चूना लगा चुके हैं। जी हाँ, और यहाँ पर व्हाट्सएप टेलीग्राम के जरिए बहुत बड़े पैमाने पर ठगी हो रही है। सेबी कोशिश कर रही है, बता रही है, बट ये रुक नहीं रहा है। तो यहाँ पर कहानी क्या है वो बता देते हैं, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि जो मैं बताने जा रहा हूं आपके साथ हुआ होगा, बट भगवान की दया से आप तो बच गए होंगे। यहां पर स्टॉक मार्केट से हाई रिटर्न दिलाने का झांसा देकर ये ठगी की जा रही है, और इसके लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम का यूज किया जा रहा है, जिस पर बड़ी संख्या में यूजर हैं। यहां पर एक केस हम विशाखापट्टनम का करते हैं, जहां पर विशाखापट्टनम के एक ट्रेडर थे, उनको 64 लाख रुपए का चूना लग गया। इन शख्स को किसी ने स्टॉक मार्केट के जरिए कुछ ही दिन में पैसा डबल करने का झांसा दिया और एक लिंक भेजकर स्टॉक एक्सचेंज नाम के व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए कहा। इसके बाद उसे इन्वेस्टमेंट से पहले शेयर बाजार को लेकर एक ग्रुप ज्वाइन करने को कहा, और बस यहीं पर ऑनलाइन ट्रेडिंग स्कैम का हुआ शिकार। आप सबके पास भी कोई ना कोई लिंक आता होगा, आपको कोई ग्रुप में ऐड कर देता होगा, जहां पर अपर सर्किट के शेयर की कहानी चलती होगी, आप उस चीज़ को देखकर लालच में आते होंगे, कोई लिंक दी जाती होगी, उस लिंक से आपको पेमेंट करने के लिए कहा जाता होगा, और जो पेमेंट कर देते हैं वो कहीं ना कहीं ठगी के शिकार होते हैं। सेम ऐसा हुआ है, तो आप में से किसके साथ बिल्कुल यही कहानी हुई है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही एक कहानी है दिल्ली में, डॉक्टर, मतलब मैं आपको बड़ी, मतलब मैं हल्की बात नहीं बता रहा, अब समझो डॉक्टर हैं और उनके अकाउंट से 24 लाख चले गए। क्या है? तो भैया साइबर ठग ने डॉक्टर को कहा स्टॉक मार्केट से हाई रिटर्न दिलाएंगे, समझना, हाई रिटर्न दिलाएंगे। वहां पर उनको एक ग्रुप की जानकारी दी, ग्रुप को डॉक्टर ने ज्वाइन कर लिया। स्टॉक ट्रेडिंग से रिलेटेड ढेरों लिंक और वीडियो थे, जहां पर कई सारी चीजें देने की बात की जा रही थी। डॉक्टर को एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए कहा गया, ऐप इंस्टॉल करने के लिए कहा गया। इस ऐप में डायरेक्ट रुपए ट्रांसफर की सुविधा नहीं थी। इसके बाद ग्रुप एडमिन ने कहा कि वो कुछ स्पेसिफिक अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर कर दें, और इसी में पैसे चले गए। अब देखो मजे की चीज़ क्या है, डॉक्टर, एक एजुकेटेड इंसान, एक पढ़ा लिखा इंसान, किस तरीके से क्विकली पैसा कमाने के लालच में आ रहा है। यानी यहां पर एक चीज कहना चाहूंगा, जो कहना नहीं चाहिए बट कहना पड़ेगा, एक बड़ी सिंपल सी कहानी होती है, आ बैल मुझे मार। आप लाल कपड़ा लेकर अगर सांड के सामने खड़ा होगे तो क्या करेगा, सांड मारेगा ही ना। सेम कहानी यह है कि हम खुद इतने लालची हैं कि हमें करोड़पति बनना है 2 दिन में, बीच में कहीं नहीं रुकना है, 25 दिन में पैसा डबल की स्कीम चाहिए हमें। तो जो 25 दिन में पैसा डबल की स्कीम चाहिए ना, सारी कहानी वहीं पर खराब हो रही है, सारी कहानी वहीं पर खराब हो रही है, जहां पर जैसे ही कोई आदमी कहता है कि आपका पैसा हो जाएगा डबल, आप बन जाओगे करोड़पति, आप उसको तुरंत पैसा देने को रेडी हो, आप ना आगे देखते हो ना पीछे देखते हो, कुछ नहीं सोचते, खट देवर पैसा देते हो, और सारा खेल वहीं पर खराब हो जाता है। और इसी चीज को लेकर चाहे व्हाट्सएप हो टेलीग्राम हो, इस पर कई तरह के ठग लोग बैठ चुके हैं, जो कभी टिप्स के नाम पर, कभी किसी चीज़ के नाम पर, कभी फर्जी पेमेंट आपसे करवा रहे हैं और आप फर्जी पेमेंट कर रहे हो, जबकि सेबी लगातार कह रही है कि भैया ये हाई रिटर्न का दावा देना ही अपने आप में गुनाह है। आप ये बताओ ना, आप बिजनेस में हो, जॉब में हो, आपको बेहतर पता है कि बिजनेस में करोड़ों रुपए की लागत लगा के 3-4% से ऊपर का रिटर्न नहीं रहा, नौकरी की तो कहानी खत्म है, उसके बारे में तो बात ही करना मुश्किल है। तो जब आपको पता है लाइफ में कहीं भी चीज़ें आसान
आसान नहीं है, तो स्टॉक मार्केट में आप चीजों को आसान कैसे समझ लेते हो? लेकिन हमारे अंदर का लालच का कीड़ा है ना, वो इतना ज्यादा भरा पड़ा है, इतना ज्यादा बल्क में भरा पड़ा है कि हमें जैसे ही ऐसी स्कीम दिखती है हमारे अंदर का कीड़ा बलबला के बाहर आने लगता है और हम खुद को करोड़पति बनने की दिशा में अपनी मेहनत की खून पसीने की कमाई दे देते हैं। तो प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ये जो भी जगह आप जुड़ते हैं, यहां पर कोई भी इंसान आपको इस तरीके से दे रहा है, कभी पेमेंट ना करें। सबसे सिंपल कहानी है, मैं तो कहूंगा खाता नंबर बाद में देखो, सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर बाद में पूछो। सबसे पहले तो कोई करोड़पति बनाने की स्कीम डाला, वहीं पर फर्जीवाड़ा आके ऐड हो गया। उसके बाद सेकंड आता है कि सेबी रजिस्ट्रेशन जरूरी हो रहा है या आप उसके अकाउंट में पैसे, क्योंकि टिप्स बेचने के लिए या टिप्स देने के लिए सेबी रजिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। जब कोई एजुकेशन देता है तो एजुकेशन के लिए सेबी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि एज पर सेबी का मानना है कि जब कोई किसी को पढ़ा रहा है तो किसी तरीके की रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है। तो यहां पर अगर आप टिप्स के पीछे जा रहे हैं तो इस चीज को देखें, आप कंपनी अकाउंट में पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इन सब चीज को देखिए। और टिप्स से कभी कोई कमा पाया ही नहीं है, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। तो भैया वो विशाखापट्टनम वाले भैया जैसा कोई शिकार ना हो, ये जो डॉक्टर साहब हैं ऐसा कोई शिकार ना हो, ऐसी अनगिनत कहानियां हैं जिसके आप शिकार ना हो। इस चीज के लिए आपको खुद अवेयर होना पड़ेगा। मैं ऐसी वीडियो हर हफ्ते लाता रहूंगा, लेकिन आप भी इस वीडियो को शेयर करें जिससे सब सीखें, सब कमाएं और ऐसे फ्रॉड से बच सकें। थैंक यू सो मच।